तो ये आ गया हमारे पास Samsung Galaxy Z Fold 5। 1.5 लाख का ये फोन है, Snapdragon 8 Gen 2 है। एक घंटे की गेमिंग टेस्ट करेंगे इसी वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। काले कपड़े में लिपट के आया है पूरा, नजर न लग जाए इसको। क्या डिजाइन है, मतलब वाओ। और देखते तो कितना पतला है ये, प्रीमियम तो बहुत ज्यादा फील होता है। मेन डिस्प्ले जो है आपको 7.6 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, HDR10+ का भी सपोर्ट है। और जो सेकेंडरी डिस्प्ले है इसमें 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। और बैटरी आपको जो 4400 mAh की मिलती है, 253 ग्राम्स का वेट है इसका। और आपको अगर पूरा ओवरऑल रिव्यू चाहिए तो मेन चैनल पे वो आ गया है, अब तक जाके देख लो। जल्दी से पावर ऑन करते हैं इसको, 1, 2, 3। और इस बटन में आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, Samsung Galaxy Secured by Knock। और यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है जो कि इनविजिबल है, 25 सेकंड में ऑन हुआ। क्या बवाल डिस्प्ले है, और यहाँ पर आप जैसे बंद करोगे फ्रंट वाला डिस्प्ले खुल जाएगा। दोनों पे हम लोग गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, जल्दी से पबजी खोलता हूं मैं। और इसको आप ऐसे 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 सब तरीके से खेल सकते हो। अब जल्दी से हम लोग BGMI की टेस्टिंग कर लेते हैं। ब्राइटनेस मैंने मैक्सिमम पे रखा है, कोई भी रिसेंट ऐप नहीं है। और यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, 1, 2, 3। 15 सेकंड में जो है BGMI ऑन हो गया। यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग्स देख लेते हैं, स्मूथ पे एक्सट्रीम का सपोर्ट है, अल्ट्रा एचडी का भी सपोर्ट है। और पबजी में हल्का सा मैंने एक ग्लिच एक्सपीरियंस किया, मैं जैसे भी इसको अचानक से अगर बंद कर रहा हूँ इसमें पूरा स्ट्रेच हो जा रहा है। अब मैं इसको जब अचानक से ऐसे खोलूंगा पूरा स्ट्रेच हो जा रहा है, और इसको धीरे धीरे बंद करूंगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे मैंने इसको बंद किया, अब देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं हुई है। और अब धीरे धीरे खोला जाएगा तो ये देख सकते हो, तो ये जो प्रॉब्लम है आगे जाके वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग जो है वैसे भी अपने फ्लैगशिप जो फोन होते हैं उनमें मेजर अपडेट देता है टाइम टू टाइम, उसके साथ साथ ये सब ठीक हो जाएगा। टाइमर ऑन कर लिया, गेम भी ऑन कर लिया हमने, और अभी हम लोग स्मूथ पे एक्सट्रीम पे खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, अरे यार नेट हो गया है। तो बैटरी आप देख सकते हो 85% है, मैंने स्टार्ट किया था 92 से। बात करूं अगर टेम्परेचर की तो आप देख सकते हो मिडिल में जो है 35 के अराउंड आ रहा है, और मैं अगर कैमरा के पास टेस्टिंग कर रहा हूं तो 37.7 तक मैक्सिमम गया। अभी तक हम लोग स्मूथ पे एक्सट्रीम ही खेल रहे थे तो काफी फ्लूइड रिस्पॉन्स था, अब जो है थोड़ा मैक्सिमम सेटिंग्स करेंगे तब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अब हम लोग डोमिनेशन का मैच जो है सेकेंडरी डिस्प्ले पे खेलेंगे। ये तो दुनिया ही पलट गई मेरी यार, कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। ओहो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जल्दी से हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, और अल्ट्रा एचडी की सेटिंग्स भी ऑन कर रहा हूं मैं, अब तगड़ा मजा आएगा। अब हम लोग एंगल लगा लेते हैं जल्दी से। अभी मैंने सेकेंडरी डिस्प्ले पे खेला था, इसकी पूरी सेटिंग्स जो है मैंने जो भी बटन्स कस्टमाइज किए थे सब चले गए। अरे पोचिंग की, चलो पोचिंग की, हाँ ये हुई बात। चलो 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 घर में एक कुमार है, दो कुमार।
ऊपर ही सारे बंदे हैं, सारे बंदे ऊपर हैं। करे यार कोई भी जिंदा नहीं है बेचारे। अरे यार कौन है ये, कौन है भाई? निकल निकल नहीं तो गाड़ी फोड़ दूंगा। भागता कहाँ है, भागता कहाँ है, भागता कहाँ है? बॉट प्लेयर गाड़ी ला रहा हूँ, गाड़ी बैठते हैं, बैठ गाड़ी में बैठे, बैठ तीन नंबर गाड़ी बैठो। अरे तीन नंबर गाड़ी में, अरे यार सबके सब बेवड़े हैं क्या? अरे बैठे तीन नंबर गाड़ी में यार, भाई बच्चे सब मर गया, मर गया, मार दे। अरे यार, अरे यार शिट, अरे तेरे सामने मार उसको। तो एक घंटे गेमिंग हो गई है यहाँ पर, तो हमारी बैटरी जो है 65% अभी गई है और कैमरा के पास जो टेम्परेचर है 37.7 और जो सेकेंडरी डिस्प्ले है इसमें जो 34-35 के अराउंड टेम्परेचर है और जो मेन डिस्प्ले है उसमें जो है 37 के अराउंड टेम्परेचर लाइक आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोग अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, क्या ये 1.5 लाख पे आपको लेना चाहिए फॉर गेमिंग या नहीं? जब मैं स्मूथ एक्सट्रीम खेल रहा था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, FPS ड्रॉप जरा भी नहीं हुआ, लैग जरा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट धीरे धीरे जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया अल्ट्रा HD सेटिंग्स पे जब मैं खेल रहा था उसमें भी उतना कुछ मेजर डिफरेंस मिला, अच्छा रिस्पांस भी था, ग्राफिक्स भी काफी अच्छे थे, टैब वाली फीलिंग आती है। तो ये कोई नॉर्मल से टैब है, हमने उठा लिया है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पकड़ के जो है नॉर्मल गेमिंग यहां पर कर सकते हो। अगर आप जो इसको फोल्ड करके सोचते हो कि गेमिंग कर लो तो वैसे भी कर सकते हो, बट मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मैं इसको खोल के जो है बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं। क्या हुआ एक बार तो मैं जब छत से कूदा इससे तो मुझे लिटरली फील हुआ कि मैं कूद गया मतलब नीचे। बैटरी टेम्परेचर की मैंने बात कर ली, टेम्परेचर भी अच्छा मैनेज किया, बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। तो क्या 1.5 लाख के प्राइसिंग में जस्टिफाई होता है और गेमिंग या नहीं? तो देखो यार गेमिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और वो एक्सपीरियंस जो है ये Z Fold 5 आराम से प्रोवाइड करता है। मजा आ जाएगा आपको खेल के, आग बंद करके ले सकते हो आप गेमिंग के लिए। और भयंकर भयंकर कंपैरिजन आने वाला है इस फोन के साथ। तो ठीक है ये थी पूरी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक